हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित कुमार राणा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का दैट पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी की दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है दैट इज कूलम्स लॉ। दैट कूलम्स लॉ में हमने देख रखा है दैट इज दैट कूलम्स लॉ एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज ओनली फॉर द एयर और वैक्यूम, ठीक है ना, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है। नाउ अब हमें देखना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कूलम्स लॉ में देखा था ना कि दो चार्ज, अगर दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं समथिंग लाइक दिस, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मीन सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली हो क्या रहा, ठीक है ना, किस वजह से ये अट्रैक्शन और किस वजह से सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्सन, ये हो क्या रहा, दैट वी आर गोइंग टू लुक हियर, राइट। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल E, although it is a vector quantity, that's why notation of vector, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वान्टिटी और इसे रिप्रेजेंट E से करा जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली दिस इज चार्ज, ठीक है, ये चार्ज है, ये अपनी आसपास, अपनी विसिनिटी, अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, अपनी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। अब मेरे पास सपोज कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, दैट टेस्ट चार्ज का मतलब क्या, उसकी चार्ज की वैल्यू इतनी कम है दैट वो अपनी इन्फ्लुएंस नहीं दिखाएगा, मींस उसका कुछ इफेक्ट वैसा नहीं होगा, ठीक है, दिस इज ओनली यूज फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पस। और वो मेरे पास टेस्ट चार्ज है, दिस इज सिंबल ऑफ दैट टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट, दिस क्यू नॉट इज प्लेस्ड इन दैट पोजिशन। तो अब देखो, इस पोजिशन पर जब रखे हुए हैं तो अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट अगर मैं क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को मैं थोड़ा सा आगे ले आया, अभी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, बट मैं थोड़ा और आगे ले आऊँ तो अभी भी कुछ फोर्स नहीं लग रहा, बट जैसे मैं यहाँ पे लेके आऊँ, दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, अब जैसे इसके फील्ड में ये आया, मैंने टेस्ट चार्ज बोला, दैट टेस्ट चार्ज क्या होते हैं, फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पसेस यूज करे जाते, इसकी इफेक्ट बहुत ही कम होती है, क्लियर है ना। तो ये अब जैसे इसके फील्ड में आया, इसने क्या करा था, अपने अगल बगल में क्या करा था, फील्ड प्रोड्यूस करा था, अब जब इसके इफेक्ट में ये आया तो इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ और ये इसे रिपेल करेगा और ये दूर जाएगा। यही तो कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा था ना, फोर्स लग रहा, तो फोर्स लगने का रीजन क्या है, यही है चार्ज, ठीक है, चार्ज के बगल में जो इसका फील्ड, इसका जो इफेक्ट बन रहा है, उस इफेक्ट में जैसे ही दूसरा चार्ज आता है, इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे ना इस चार्ज पे, क्यों लग रहा, क्योंकि इसका इफेक्ट जो था इसके सराउंडिंग में, उसमें ये टेस्ट चार्ज आ गया, क्लियर है। नाउ अब मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, समझ गया ना कि क्यों इसके आसपास, मीन्स इसके पेरीफेरी में जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, मैं लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, देखो, द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction or repulsion, the space around charge, right, around in which electrostatic force of attraction or repulsion experience
by charge due to any other charge. ठीक है ना, द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच, अभी मैंने बोला था एक चार्ज है, इसकी स्पेस इसके अराउंड, ठीक है ना, इसके अराउंड देखो इस चार्ज के अराउंड क्या हो रहा है, द स्पेस अराउंड चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन. अगर मान लो कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, दिस इज अट्रैक्शन. रिपल्सन मीन पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन. एक्सपीरियंस बाई चार्ज, जो चार्ज को मैं लेके आ रहा था, सपोज टेस्ट चार्ज, वो चार्ज ड्यू टू एनी अदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के वजह से, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है ना. अब इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है ना. सपोज मेरे पास कोई चार्ज है, या टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना. टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी. मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. क्लियर है ना. अब देखो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिख रहा हूं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, और व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गई. अब सपोज मान लो मेरे पास कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर एक टेस्ट चार्ज है, एक चार्ज है, एक दिस इज पॉजिटिव चार्ज और एक मेरे पास टेस्ट चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन मीन्स फोर्स एक्ट करेंगे, फोर्स लगेंगे. वो फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 Q0/r2. सपोज ये r जो इसके बीच में सेपरेशन होगा, तो मैं यहां से एक तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को, इस वैल्यू को, फोर्स की वैल्यू को पुट कर रहा हूं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया ना, ठीक है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को फोर्स के जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स कूलम्बिक फोर्स को लिख रहा हूँ. तो ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r2 डिवाइडेड बाई Q0, ये है ना Q0, तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्या मिलेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r2. ठीक है, ये तो हमारा हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल और यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो यहाँ पे ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, एक चार्ज है, और इस चार्ज से r डिस्टेंस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चाहिए होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, और ये एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में, ठीक है ना. तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आपको दे रखे होंगे, 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है, 9×10⁻⁹ N·m²/C², ठीक है ना, और r ये डिस्टेंस दे रखा होगा, तो इस पॉइंट पे मेरे को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. क्लियर है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूले हो गए एट r डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो मैं यहां से एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, इस एक्सप्रेशन को, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. हटा दूं इसको, ये इधर लिख देता हूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको रन देता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर
क्वांटिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, दैट इज एफ वेक्टर ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है ना। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, मीन्स फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम, ठीक है। न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल कैपिटल वी, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअली इन फिजिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। फिजिक्स में क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं डिफाइंड है, डिफाइन क्या है चेंज इन पोटेंशियल, क्या डिफाइन है चेंज इन पोटेंशियल, मीन्स विच पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, या सपोज किसी की हाइट मेजर करना होता तो हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। सपोज मैं पूछूं व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो बॉटम पॉइंट होती है वहां से आप मेजरमेंट स्टार्ट करते हो, तो आपने बॉटम को क्या किया एक रेफरेंस लिया। अगर कोई नीचे किसी गड्ढे में होगा, गड्ढा से मेजर करना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा बिल्डिंग की हाइट कुछ और आ जाएगी, है ना। तो बिल्डिंग की हाइट को मेजर करने के लिए आपने एक रेफरेंस लिया, दैट इज द बेस ऑफ द और फ्लोर ऑफ द, दैट बेस मीन्स फ्लोर, अर्थ की जो सरफेस थी वहां से आपने मेजर करना स्टार्ट करा, मीन्स आपने एक रेफरेंस लिया। तो यहाँ पे क्या है, सपोज मेरा दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख लो बी, इसे लिख लो ए, विच विल बी द बेटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बातें हो रही है, ठीक है, मेरे पास एक चार्ज है। अब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मेरे को यहाँ से यहाँ तक लाना है, तो ये जो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, वर्क करना पड़ेगा, तो दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। जो हमने वर्क करा वो क्या हो गया, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, वर्क करा, है ना, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, सपोज इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिरेक्शन था, तो ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड उधर पुश करेगा, और मेरे को जितना इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा उतना ही इक्वल फोर्स लगा करके क्या करना होगा मेरे को, धीरे धीरे विदाउट एक्सेलरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मेरे को यहाँ पे लाना होगा। तो जो लाने में वर्क होगा, दैट वर्क अपॉन चार्ज विल बी चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बोला, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज का मतलब क्या, दिस पॉइंट इज इनिशियल एंड दिस पॉइंट इज फाइनल, ठीक है ना। तो फाइनल वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या एक रेफरेंस लिया गया है, दैट रेफरेंस इज ए को, फाइनली तो मेरे को यहाँ पे लाना है, बट ए को क्या किया गया, शिफ्ट करके ए की पोजीशन को इन्फिनिटी पे ला दिया गया, मींस इनिशियल पॉइंट इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। इनिशियली चार्ज कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी से अब ये वाली सारी कहानी खत्म यहाँ पे, इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट पे इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से जो चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क अपॉन चार्ज विल बी द पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर है मेरी बात। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, अगर सपोज मेरे पास टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ तक ला रहा हूँ, तो जो मैंने वर्क करा, दैट वर्क डन अपॉन दैट चार्ज और टेस्ट चार्ज इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट।
ठीक है ना। तो रेफरेंस यही है, रेफरेंस ये क्या है, इनिशियल पॉइंट इज एट इन्फिनिटी। चलो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपने लिखा था ना एक्सप्रेशन, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल को क्या लिखा था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और एट इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होगा, दिस इज माई एजम्पशन, मीन्स हमने क्या रेफरेंस ले रखा। तो इन्फिनिटी मीन्स वी बी माइनस वी, अब ए तो है नहीं, क्या है इन्फिनिटी है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, वी इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है, दैट इज एजम्पशन। तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टर्म आया, एक्चुअली मैंने बोला डिफाइंड नहीं है, ठीक है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, डिफाइन क्या, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दैट्स वाई मेरे को पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ा, दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिखो, आई होप समझ आया होगा, है ना। देखो डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज amount of work done in moving test charge from infinity to that point without acceleration or without change in kinetic energy, ठीक है, against electric force due to इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था सेम एज स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया, क्या लिखा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो वो क्या होगा, एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे मेरे को डिफाइन करना है। तो वॉट इज दैट, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज को मूव करना है, कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी से ला करके मेरे को कहाँ लाना, एट दैट पॉइंट, ठीक है, विदाउट एक्सीलरेशन और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट एक्सीलरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो ना, आप यू आपको पोटेंशियल एनर्जी देखना, ठीक है, पोटेंशियल देखना, तो आप वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को इन्वॉल्व नहीं करना हमें, ठीक है। दैट्स वाई इट इज विदाउट एक्सीलरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स इस जो चार्ज की मूवमेंट होगी, ये जो चार्ज आप ला रहे हो यहाँ से, तो ये डी एक्स, मतलब छोटे डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, छोटा छोटा, सो दैट कि वहाँ पे ना वो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट ना करे, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। मीन्स एक्सीलरेट करेगा तो वेलोसिटी आएगी, मीन्स दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज को वर्क करा जाएगा, स्टोर्ड होगा एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, क्लियर है ना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया था, क्या दिया था, दैट इज इसी स्टेटमेंट से, सपोज मेरे पास कोई चार्ज है, अब मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो क्या है, दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स,
ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज को आप ला रहे हो, क्लियर है ना। तो ये हो गई आपकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब मैं बोलूं दिस इज स्केलर क्वांटिटी, क्यों, देखो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, वर्क जितना वर्क करा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, तो वर्क ही आपका पोटेंशियल है, मींस दैट इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट क्या होगी, दैट इज देखो वर्क की क्या होती है यूनिट, जूल, और चार्ज है तो कूलम, जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर है ना। नाउ देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना, ठीक है, दिस इज एट आर डिस्टेंस, तो यहां पे वी क्या होगा, तो यहां पे क्या वी होगा, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के आ रहा हूं यहां पे, जो मैंने धीरे धीरे विदाउट एक्सीलरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे लाया, तो जो मैंने वर्क करा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट विल स्टोर्ड और दैट विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्लियर है ना। तो उसकी वैल्यू क्या होगी व्हाइल कैलकुलेटिंग, दैट V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और आपको पता है K की वैल्यू, दैट इज V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर, दिस इज पोटेंशियल, ठीक है ना, पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, तो ये है इसकी वैल्यू, यूनिट सेम जूल पर सेकेंड, है ना। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें हो गई, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल दो आई हैव गिवन आइडिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग और टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। मैंने क्या बोला स्टेटमेंट, अभी मैंने एक्सप्लेन करा था आपको, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना, दिस इज बी पॉइंट दिस इज ए पॉइंट, तो मेरे पास कोई चार्ज क्यू है, क्यू को मैं ए से बी पे ला रहा हूँ, ठीक है, और वो भी धीरे धीरे, याद रखना dx डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको बोल रखा डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल सो दैट एक्सीलरेशन, वहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए और वहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, क्लियर है ना, काइनेटिक एनर्जी की बातें नहीं होनी चाहिए, धीरे 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 होनी चाहिए वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ से चार्ज को यहाँ पे लाओगे तो वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग रहा है, अगर चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज है और उससे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और ये हमें पता नहीं है, ठीक है, बट फील्ड लाइंस को देख के बोल सकता हूँ, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा, मेरे को क्या करना, उल्टा वर्क करके धीरे 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 इस पॉइंट पे लाना, तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी एज अ पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी एज अ पोटेंशियल, ठीक है ना, एट दैट पॉइंट। तो देखो इसी चीज को मैं स्टेटमेंट में लिखता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वहां पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी या एक्सेलरेशन नहीं होंगे, धीरे 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 लाए जा रहे हैं, ठीक है ना। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये हो गई दो पॉइंट का मीन्स दैट अभी मैंने लिखा था दैट दो पॉइंट हैं ए और बी या बी और ए, तो वहां से बी ए से दिस इज बी दिस इज ए, तो ए से बी पे लाने में जो वर्क करा जा रहा है दिस वर्क अपॉन दैट चार्ज क्यू चार्ज को दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनिशियल चेंज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कहाँ पे आ रहा, बी पे, तो दिस इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो दिस इज एक्सप्रेशन। और इसकी यूनिट क्या होगी, दैट इज एसआई यूनिट वोल्ट, क्लियर है, लिख लो, लिख लिया, रब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गई चेंज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है ना, कि जो हमने वर्क करा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लग रहा था चार्ज को, तो वो जो मैंने लाने के लिए धीरे धीरे डिस्प्लेस करके जो पॉइंट पे रखा दैट विल बी एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, क्लियर है ना। तो यहां से लाया, यहां कुछ पोटेंशियल है और यहां पे लाया, तो जो चेंज इन पोटेंशियल आया दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज, लिख लिया। नाउ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, अ पॉइंट चार्ज 1.5 कूलम is taken from point having potential 50 volt to point having potential 150 volt, find द वर्क डन, ठीक है। हमें क्या करना, वर्क डन निकालना, सॉल्यूशन। देखो एक बारी वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, व्हाट इज दिस, ठीक है, ट्राई करो, कर लिया, मैच करो, क्या बोला, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1.5 कूलम, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.5 कूलम, इज टेकन फ्रॉम पॉइंट हैविंग पोटेंशियल 50 वोल्ट, एक पॉइंट ए है जिसकी पोटेंशियल है दैट इज 50 वोल्ट, ठीक है, इस पॉइंट की कितनी पोटेंशियल है 50 वोल्ट, और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया गया हैविंग पोटेंशियल, सपोज दिस पॉइंट हैविंग पोटेंशियल 150 वोल्ट, फाइंड आउट वर्क डन,
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो अभी मैंने लिखा था दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब यहां ले गया गया फाइनल, मींस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। अब मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करना, तो वर्क डन इज इक्वल टू वॉट, क्यू इन टू वी बी माइनस वी ए। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 1.5, बीवी की वैल्यू कितनी है 150, VA की वैल्यू कितनी है 50, दिस इज इक्वल टू 1.5, ठीक है 1.5 माइनस करो दैट इज 100 विच इज इक्वल टू 50। वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, तो दिस इज 50 जूल, ठीक है ना। तो ये सॉरी 50 होगा, वन हंड्रेड फिफ्टी जूल, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, है ना। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल दैट किस तरीके से हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था, हमें वर्क कैलकुलेट करना था, मैंने इस फॉर्मूले को क्या करा, रीअरेंज करा, और रीअरेंज करके इस तरीके से कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज रिजल्ट, दैट इज कितना वर्क करना पड़ेगा, 150 जूल के वर्क करने पड़ेंगे, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। हमने क्या करा टुडेज लेक्चर में, कंप्लीट क्या क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक चार्ज अपने स्पेस अपने पेरीफेरी में जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और उसके पास जब कोई चार्ज आता है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड हमने देखा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा दैट क्या, कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाया जाए तो जो वर्क करना पड़ेगा अपॉन दैट चार्ज इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। इसमें मैंने बोला रेफरेंस ली जाती है, और रेफरेंस क्या ली जाती है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। सेकेंड थर्ड वाज दैट पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब आपने चार्ज को लाया तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज वॉट, वर्क अपॉन दैट चार्ज। कंडीशन इज दैट विदाउट एक्सीलरेशन विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।